बैंगलुरु के न्यूज अपडेट्स में आपके साथ मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी क्रिकेट से जुड़े तमाम अपडेट्स के बारे में, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया इतना लंबा जाएगी ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन नामीबिया ने ये कर दिखाया है और उसने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हरा कर जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ नामीबिया ने 2 पॉइंट्स हासिल करते हुए टेबल में पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर भी अपनी जगह बना ली है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू कर रही नामीबिया की लगातार 3री जीत है, जबकि स्कॉटलैंड की 2री हार। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों IPL 2021 को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली CSK ने जीता। अब अगले सीजन के शुरू होने से पहले एक मेगा ऑक्शन होगा, जिसके बाद सभी टीमें एकदम बदल जाएंगी। और खास बात तो ये है कि अगले IPL में अहमदाबाद और लखनऊ नाम की 2 टीमें भी IPL का हिस्सा होंगी, और ऐसे में टीमों में कई बड़े बड़े खिलाड़ी भी नजर आएंगे। लेकिन पंजाब किंग्स के KL राहुल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल खबर ये है कि KL राहुल अगले साल पंजाब किंग्स के साथ नहीं खेलेंगे। इसी के साथ पंजाब को लंबे समय के बाद एक नया कैप्टन मिलेगा। दरअसल पंजाब किंग्स के को ओनर नेस वाडिया ने अपने एक स्टेटमेंट में ये हिंट दी है कि वो अगले साल उनकी टीम KL राहुल को ड्रॉप कर सकती है। वेल दोस्तों ये तो अगले साल ही पता चलेगा कि क्या टीम से KL राहुल को ड्रॉप किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। टीम इंडिया के फॉर्मर ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अब इस बात पर भी भविष्यवाणी कर दी है कि T20 वर्ल्ड कप का खिताब इस साल कौन सी टीम उठाने जा रही है। दरअसल दोस्तों वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर हमेशा से ही काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ऐसे में वो अपने फैंस के साथ रूबरू भी होते हैं, और इसी बीच वीरेंद्र सहवाग के एक फैन ने उनसे ये पूछ लिया कि T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन सी टीम जीतेगी। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग ने बिना वक्त गवाए फटाक से जवाब दे दिया कि T20 वर्ल्ड कप का खिताब तो इंडिया ही जीतेगी। दोस्तों 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे वक्त से गेंदबाजी नहीं कर रहे हार्दिक पांड्या ने अब बॉलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पहले उनके फिटनेस को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों अब उनके वापस गेंदबाजी शुरू करने के बाद फैंस ने जरूर राहत की सांस ली होगी। बीते दिन स्कॉटलैंड और नामीबिया के मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट्स ने भारतीय टीम की ट्रेनिंग सेशन की कुछ झलक दिखाई थी, और इसी दौरान हार्दिक नेट्स पर बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। इस वीडियो में दिखा कि पांड्या ने करीब 20 मिनट तक नेट्स पर शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर के साथ गेंदबाजी की। दोस्तों अब तक हुए मुकाबलों को देखकर एक खास ट्रेंड भी सामने आया है, और वो ये है कि पहले टॉस जीतो और फिर खेल जीतो। दोस्तों टॉस के इस खेल में टीम इंडिया की पाकिस्तान से पहले बैटिंग करते हुए हार गया था, और अब 31 अक्टूबर को टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच है। ऐसे में टीम इंडिया के सभी फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि काश इस बार टॉस टीम इंडिया जीते। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार टॉस कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम पहले बैटिंग करती हुई नजर आएगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल न्यूज अपडेट्स में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ। करके आप देखते रहिए क्रिकेट टाइम ग्रुप। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।